लोकसभा में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सोमवार को कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बिल को संसद के पटल पर रखा। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार शोर शराबे के चलते लोकसभा को पहले 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया और उसके बाद 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इधर लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पारित होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने खुशी जाहिर की। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा से पास होने के फौरन बाद संयुक्त किसान मोर्चे के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह अच्छा हुआ है, एक बड़ी बीमारी थी उसका रोग कट गया। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे समाधान पर भी बातचीत करे। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि एमएसपी एक बड़ा सवाल है, उस पर सरकार बातचीत करे। इसके अलावा प्रदूषण एक बड़ा मसला है, उस पर भी बातचीत करे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर का विषय है, उस पर चर्चा करे। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष कह रहा था कि एमएसपी पर चर्चा हो उस पर हो, राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष यह बिल्कुल ठीक कर रहा है कि एमएसपी पर कानून बने। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बने। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून बिल वापसी बिल पास हो गया और दूसरे मुद्दे पर सरकार बात करे। ऐसे में दोस्तों, राकेश टिकैत के इस बयान और सरकार के इस संसद में किए गए फैसले पर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।